व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला तनवीर, उम्मीद है खैरियत से होंगे व्यूवर्स। अच्छा, मैं बात करना चाह रहा हूं आज सरगोधा यूनिवर्सिटी के हवाले से कि अक्सर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम की डेट भी करीब है और इनकी डेट शीट भी जो है बेसिकली जल्द अज जल्द इसको भी इशू कर दिया जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कन्फ्यूज थे कि सर हमने एडमिशन तो भिजवा दिया तो हमें कैसे कन्फर्मेशन होगी कि हमें अपना एडमिशन या जो हमने भिजवाया उसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्शन के हवाले से बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कन्फ्यूज होते हैं और समटाइम ऐसे होता है कि उनका बेसिकली साल भी जाया हो जाता है ऑब्जेक्शन, अगर वो टाइम पे अपनी ऑब्जेक्शन को क्लियर ना कर सकें तो। तो व्यूअर्स, इसके अकॉर्डिंग मैं चाह रहा था बेसिकली जो ऑब्जेक्शन का रीजन होती है, सबसे पहले हम इसको आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन रीजन ये होती है कि समटाइम बाज बच्चे ऑनलाइन बेसिकली जो शॉप होती है वहां पर जाके अपने एडमिशन वगैरह भिजवा देते हैं, या समटाइम लोग ऐसे भी होते हैं अपने कजन को कह दिया, अपने दोस्त को कह दिया कि आप मेरा एडमिशन भिजवा दें, तो उसकी रीजन ये होती है कि वो फिर मिस इन्फॉर्मेशन वहां पर बेसिकली ये रीजन बनती है ऑब्जेक्शन के हवाले से, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट नहीं दी होती जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी वहां पे ऑब्जेक्शन लगा देती है। तो कोशिश किया करें, ख्याल किया करें, जब भी आपने एडमिशन भिजवाना हो तो आप खुद वहां पे मौजूद हुआ करें, या आप अपने दोस्त के साथ दोस्त के जरिए करवा रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन बेसिकली ऑनलाइन शॉप की कोडिंग करवा रहे हैं। तो दूसरा ये व्यूअर्स, बेसिकली जो जिन स्टूडेंट्स की ऑब्जेक्शन आती है तो उनको बकायदा यूनिवर्सिटी की जानिब से मैसेज कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी की जानिब से उनको मैसेज आ जाता है कि आपकी ऑब्जेक्शन है, किस वजह से है, क्या रीजन है, वो सारा उनको बता दिया जाता है। लेकिन याद रहे बेसिकली जो ऑब्जेक्शन होती है इसके अकॉर्डिंग भी जो सरगोधा जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी ऑब्जेक्शन लिस्ट को अनाउंस कर देगी, वो निकाल देगी वहां से, तो आप वहां से आसानी ऑनलाइन बैठ के आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका क्या मसला था। अगर तो ज्यादा मसला नहीं होगा तो उसको आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, लेकिन याद रहे कि बेसिकली जो पार्ट टू के स्टूडेंट्स हैं और जिनकी सप्ली है स्टूडेंट्स की, वो ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते ऑब्जेक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इतना ज्यादा इशू नहीं होता, आपकी ऑब्जेक्शन क्लियर कर दी जाती है और कुछ ही दिनों तक जो यूनिवर्सिटी है सरगोधा यूनिवर्सिटी बेसिकली ये ऑब्जेक्शन लिस्ट को अनाउंस कर देगी, उसके जरिए आप उस पर चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मैसेज नहीं मिला वो अपना जो ऑब्जेक्शन होगी उस चीज में सर्च कर सकते हैं, अपना नाम वगैरह अपनी डिटेल देंगे, उनको कंफर्म हो जाएगा कि उनकी ऑब्जेक्शन जो लगी है वो किस रीजन से लगी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कंफ्यूज या परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी गलतियां छोटी मोटी मिस्टेक्स वगैरह होती रहती हैं तो इसको आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं एग्जाम्स के हवाले से, तो प्रोफेसर तनवीर साहब बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस का इनका आगाज हो चुका है, फर्स्ट बैच की अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो सेकंड बैच जो होगा उसमें अगर आप ऐड होना चाहते हैं आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि कमेंट्स में बेसिकली देख रहा था, व्यूवर्स हमारी टीम ने बताया था बेसिकली कि अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिख देते हैं कि सर हम आपसे रब्ता कैसे करें, तो बेसिकली जो हमने ऑफिशियल नंबर दिए होते हैं स्क्रीन पे आपने इन्हीं के जरिए हमारे साथ रब्ता करना है। याद रहे हमारे सिर्फ दो ही ऑफिशियल नंबर है जो हम स्क्रीन पे शेयर करते हैं, इसके अलावा तीसरा हमारा कोई नंबर नहीं। अगर कोई आपके साथ बेसिकली कमेंट्स में नंबर शेयर करता है तो वो हमारा नंबर नहीं होगा, उसको एक बार आपने चेक कर लेना, हमारी वीडियो के नंबर से आपने इसको मैच कर लेना है। बाकी जो वो स्टूडेंट्स जो कम वक्त में इसको अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारे नोट्स हैं बेसिकली प्रोफेसर तनवीर साहब के, जिनका 37 to 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इसमें बेसिकली शॉर्ट सिलेबस है और मल्टीपल आंसर है और अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू योर रेलिवेंट कोर्स प्रोफेसर साहब ने इसको प्रिपेयर किया हुआ है। तो इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला तनवीर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।